या सगळ्या लोकांवरती राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल व्हायला हवे. 2018 साली मी केलेल्या भाषणावरती माझ्यावरती गुन्हे दाखल होतात आणि आता वॉरंट पाठवत आहे. ह्याच्यावर सुद्धा सरकारनं भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. माझी लढाई व्यक्तिगत नव्हती, महाराष्ट्रासाठी होती. आणि आता तर गेल्या काही दिवसापासून सातत्याने महाराष्ट्रावरचे हल्ले वाढले, विशेषतः 3 महिन्यापासून सरकार राज्यात आल्यापासून हे महाराष्ट्रावरचं आक्रमण वाढलेलं. याचा परिणाम फार वेगळा होईल आणि आम्हाला याच्यामध्ये अत्यंत गांभीर्याने लक्ष घालावं लागेल. सर, काश्मीरचा विषय निघालात म्हणून विचारतो, काश्मीर फाईल्स हा जो पिक्चर आहे त्या संदर्भामध्ये फिल्म फेस्टिवलमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या एका ज्युरीने असं म्हटलं की हा प्रोपागंडावाला पिक्चर आहे. इस्रायलचा जो ज्युरी आहे प्रोपागंडावाला वल्गर आणि अश्लील असा वल्गर इसलिए कहा है की एक हा वल्गर यासाठी म्हटलाय की तो एका पक्षाचाच प्रचार दिसतोय आणि एका पक्षाविरुद्ध प्रचार दिसतोय स्पष्ट. काश्मीर फाईल आल्यानंतर, तो चित्रपट आल्यानंतर, त्याचा ज्या प्रकारे एका राजकीय पक्षानं गाजावाजा केला, प्रचार केला, त्यानंतर काश्मीरात सगळ्यात जास्त पंडितांचं किलिंग्स झालेलं आहे आपल्याला माहीत असेल. गेल्या वर्षभरामध्ये काश्मीरमध्ये काश्मीरी पंडितांवर हल्ले जास्त वाढलेत. त्याच्यामुळे काश्मीर फाईल 2 काढावा अशी जेव्हा आम्ही मागणी करतो तेव्हा त्या चित्रपटाचे निर्माते त्याच्यावर काही बोलत नाहीत, ते गायब होतात. आणि ह्या सिनेमावर कोट्यवधी रुपये कमवले, पण त्यातले काही रक्कम त्यांनी काश्मीरी पंडितांच्या अनाथ कुटुंबांना द्यावी अशी जेव्हा मागणी केली तेव्हाही त्यांच्यावरती काही बोलत नाही. हा, तो ये जो बात है काश्मीर फाईल्स के बारे में, ये सच है. अगर कोई ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपोगंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो उस प्रचार में लगा थी. लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की. आपने देखा होगा पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया. तब कश्मीर फाइल वाले कहाँ थे? ये आक्रोश तो कश्मीरी पंडितों के अनाथ बच्चे भी कर रहे थे, अब कहाँ गए कश्मीरी फाइल वाले? अब हमारी वेदना दिखाइए. तब ना कोई सामने आया, ना कश्मीर फाइल 2 का कोई नियोजन किया. अब बनाइए कश्मीर फाइल 2 पे. आंध्र प्रदेश मालूम नहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने 14 जे गावावर आता आपला हे केलाय, दावा केला आहे की जीवती तालुक्यातले 14 गाव जे आहेत ते आमचे आहेत. प्रश्न काय असा आहे, का मामला अब निकाला है. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक महाराष्ट्र डिस्प्यूट के बारे में आर्गुमेंट्स है, बात चल रही है. अचानक से कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के सोलापुर और सांगली जिले पर अपना दावा बोल दिया है. कल मैंने सुना कि कर्नाटक से किसी पार्टी के लोग घुसकर एक गांव में गए हमारे और अपने झंडे ले रहे. कल अचानक मुझे बेलगांव कोर्ट का समन्स आ गया है. ये क्या चल रहा है? क्रोनोलॉजी देखिए आप. अचानक से मामला कर्नाटक की तरफ से क्यों गरमाया जा रहा है? राजनीति भी है और चुनाव भी है. लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो हमारी बैठी है, उनको ना स्वाभिमान है, ना राज्य के बारे में अभिमान है, ना लड़ने की कोई ईर्ष्या है अपने स्टेट के लिए. सिर्फ बातें करते हैं, तीर्थयात्रा करने में बैठे हैं. अगर हमारे गांव में घुसकर, हमारे सीमा पार कर कोई संगठन आकर अपना झंडा फहराता है तो महाराष्ट्र का अपमान है. यहाँ कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान राज्यपाल महोदय करते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में घुसने की बात करते हैं. ये आसाम और मेघालय का झगड़ा है क्या? एक दूसरे के ऊपर बंदूक चलाए? ये गृहमंत्री अमित शाह जी का को मेरा आह्वान है कि आप तुरंत उसमें ध्यान दीजिए, नहीं तो यहाँ खून खराब हो सकता है, हमें डर है. ये केंद्र की जिम्मेदारी है. अब राजनीति मत करिए सब बातों में. कर्नाटक प्रमाण है सर, कर्नाटक इसलिए साजिश है, साजिश है. ये हमें वहां बुलाकर मुझ पर हमला करना है, उनको मुझे अरेस्ट भी करना है और मुझसे हमला भी करना है. पूरी तैयारी है, मुझे मालूम है. लेकिन महाराष्ट्र डरने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है.
और मैं भी डरने वाला नहीं हूँ, जरूर मैं जाऊंगा सर। कर्नाटक प्रमाण है, कर्नाटक प्रमाण है, चल रहा है उस बारे में जल्दी आपको। कर्नाटक प्रमाण है, आंध्र प्रदेश से ही जीवती तालुक्यातले 14 गाव आगी लड़ाई आता या क्षणी महाराष्ट्र कर्नाटक बघा दावे सांगेन, मी पण सांगेन महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्र आहे म्हणून राष्ट्रावरती दावा सांगू का मी? महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्र आहे म्हणून का अख्खा राष्ट्रावर दावा सांगू का? महाराष्ट्र राष्ट्राचाच भाग आहे सर। गुजरातनिहाय एक निवडणूक जातनिहाय व्हावी, जनगणना व्हावी।